आपको मेरी रेसिपीज पसंद आई है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन दबाना मत भूलिए। और भी मजेदार रेसिपीज देखने के लिए मेरे चैनल द किचन कहानियां से जुड़े रहिए। आज हम आलू का हलवा बना रहे हैं। इसके लिए मैंने 4 मीडियम साइज के उबले हुए आलू लिए हैं। आलू को मैंने छीलकर साफ कर लिया है। चुटकी भर हरी इलायची का पाउडर लिया है और हलवे में मैं आधा चम्मच अजवाइन का यूज करती हूँ, क्योंकि आलू का हलवा खुद से थोड़ा हैवी होता है, अजवाइन से वो इजी टू डाइजेस्ट हो जाता है। 1 बड़ा चम्मच नारियल का बुरादा लिया है और ड्राई फ्रूट में मैंने कुछ काजू के टुकड़े कर लिए हैं, कुछ किशमिश ली हैं, बादाम को बारीक काट लिया है, आधा कप चीनी का इस्तेमाल करूंगी मैं, मैंने साबुत ही चीनी ली है, और 1 बड़ा चम्मच हम देसी घी का यूज करेंगे। सबसे पहले आलू को हम ग्रेट कर लेंगे। ग्रेट करने से आलू में कोई गुठलियां नहीं रहती हैं और हलवा भी हमारा अच्छा इकसार बनता है। ये सभी आलू मैंने कस लिए हैं। अब कढ़ाई में हम देसी घी डालेंगे और घी को गर्म होने देंगे। इसमें हम अजवाइन को हथेली से मसल कर डालेंगे और साथ ही हरी इलायची का पाउडर भी डाल देंगे। अच्छी तरह भुन जाने के बाद हम इसमें आलू ऐड करेंगे। और लगातार चलाते हुए आलू को हम भून लेंगे। आंच हम मीडियम और कम ही रखेंगे। मैंने भारी तली की कढ़ाई का यूज किया है। आप इसको नॉनस्टिक कढ़ाई में भी बना सकते हैं। आलू भून जाने के बाद हम उसमें चीनी डाल देंगे। यहां मैंने देसी घी बहुत थोड़ा ही लिया है, 1 बड़ा चम्मच लिया है। बाकी आलू हमारे जब हम चीनी डालेंगे तो आप देख सकते हैं चीनी में चीनी थोड़ा मॉइस्चर अपना छोड़ती है और ये थोड़ा पानी सा इसमें आ जाता है। इससे आलू अच्छी तरह से भुन जाएंगे, आलू का टेस्ट भी बहुत अच्छा आ जाएगा। ये देखिए आप। अब हम इसमें ड्राई फ्रूट ऐड करेंगे, काजू, बादाम, किशमिश, कसा हुआ नारियल, थोड़ा हम रोक लेंगे, बाद में हमारे गार्निशिंग के काम आएगा, और इन सभी को हम अच्छी तरह से मिक्स करेंगे। आलू का हलवा बनाने में बहुत आसान है और ये फलाहारी होता है, इसको आप व्रत में भी खा सकते हैं। और ये देखिए बढ़िया आलू का हलवा तैयार हो गया है। इसको हम सर्विंग प्लेट में निकाल लेंगे। ऊपर से नारियल के बुरादे और बादाम की कतरन से हम इसको गार्निश करेंगे। ये लीजिए, हलवा तैयार है। खाइए और मजे लीजिए।